हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम रियल वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो हमें ये बता दे कि मार्केट का ट्रेंड लाइन क्या है और वो कब अपने पॉइंट्स को ब्रेक करेगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम चलते हैं उस इंडिकेटर की तरफ। सबसे पहले आपने आना है tradingview.com पर। अब हम चलते हैं उस इंडिकेटर की तरफ और देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है और उसकी क्या स्ट्रेटजी है। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर उस इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले आपने tradingview.com पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आपने जो पेयर भी सिलेक्ट करना है वर्किंग के लिए, आप वो पेयर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर गोल्ड का पेयर सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम इंडिकेटर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे ट्रेंड लाइन। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स लक्स एल्गो, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह से लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो जाएंगी। अब ये लाइंस बेसिकली करती क्या हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है इन लाइंस के अकॉर्डिंग, तो चलें हम देख लेते हैं कि ये जो लाइंस आ गई हैं, बहुत सारी लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, ये लाइंस बेसिकली क्या करती हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बाय पे किस तरह जाएगा और सेल पे किस तरह जाएगा इन लाइंस को देखते हुए। तो जैसे ये देखें, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखें जब भी बाय पे इस तरह से लाइन ब्रेक होगी या सेल पे इस तरह से लाइन ब्रेक होगी, जहाँ जहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊँ लाइन ब्रेक हुई है, लाइन ब्रेक होगी, लाइन से टच होना एक अलग चीज़ होता है। इस तरह से टच पे हम नहीं जाएंगे, हम वो देखेंगे जब मार्केट यहाँ पर लाइन को ब्रेक करे इस तरह। जैसे आप ये देखें, बाय पे इसने यहाँ ब्रेक किया जो मैंने ये पॉइंट लगाया है और एक ये सेल का पॉइंट मैंने लगाया है। इसी तरह हम और पीछे चल के देख लेते हैं, अब जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम दोबारा से अपना वो इंडिकेटर लगा लेते हैं यहाँ पर। अब ये देखें अगेन, ये देखें यहाँ पर इसने ब्रेक किया, ये बाय पे गई और काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गई है, ठीक है। इसी तरह फिर आप यहाँ देखें, ये इसने जब सेल पे ब्रेक किया, ये अपना एक ब्रेकआउट बनाता है। जब भी ये लाइन को क्रॉस करेगा तो ये अपना एक ब्रेक डाउन बनाएगा क्रॉस करने के बाद, और ये फिर उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब ये मैंने 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट इंडिकेटर है जो आपको ये भी बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट पॉइंट्स को कब कब ब्रेक करेगी, या आपको पहले ही का किस तरह पता चल जाएगा, तो उस स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट है। तो ये देख लें आप, ये यहाँ पर इसने बाय को ब्रेक किया है, यहाँ पर भी देखें अगर आप, इसने एक छोटी बाय की कैंडल बनाई है शॉर्ट टर्म पर ये, लेकिन इसने ब्रेक जहाँ जहाँ पर भी किया है वहाँ से मार्केट ऊपर भी गई है और नीचे भी आई। अब ये देखें, यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, ये नीचे आई, अगेन इसने यहाँ पर ब्रेक किया और ये पूरा एक डाउन का ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। जहाँ जहाँ पर ये लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ वहाँ पर ये देखें, ये ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है। अभी भी ये और नीचे जा सकती है क्योंकि इसने यहाँ पर लाइन को क्रॉस कर दिया। अब ये जब मार्केट ओपन होगी तो ये हम देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और आप भी अपनी इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएँ, आपको सारे ट्रेंड्स अच्छी तरह से पता चलें कि मार्केट में आप किस तरह से एक अच्छी और कंफर्म एंट्री लगा सकते हैं बाय पे या सेल पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।